परफॉर्म करना, जरा नोट करिएगा, आपकी प्रैक्टिकल की फाइल के ऊपर दो तरह के पेजेस होते हैं, एक होता है वाइट साइड वाला पेज, एक तरफ इटे लाइंस लगी रहती हैं, ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना, जिधर लाइंस लगी हुई हैं इस तरफ जो कुछ भी करना है वो आपने बॉल पॉइंट पेन से या पेन से करना है, और व्हाइट साइड पे जो भी करोगे वो आप लेड पेंसिल से करोगे, इधर पेन यूज बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ? सिंपल पेंसिल ही होती है। हाँ? वो ही वही मतलब होता है उसका। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम, सेकेंडली ऑपरेटर्स, आपको कौन सा चाहिए होगा, ठीक, और तीसरी बात प्रोसीजर। बेटा सारे स्टूडेंट्स नोट कर लेना, प्रोसीजर के बाद आपका फोर्थ आ जाएगा, ये हेडिंग है मेन मैं लिख रहा हूँ, डिटेल आप खुद लिखोगे, कॉपी पे लिखी होगी। चौथा पॉइंट प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि कौन कौन से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, या आप पंजाबी में या हिंदी में सावधानियां कह देते हैं इसको। पहला इधर पॉइंट आप पहला हेडिंग लिखोगे, एक्सपेरिमेंट का नाम, अगेन सेम आ जाएगा, लेकिन पेंसिल से काम करना इधर सारा ही, इट शुड बी विद पेंसिल, इट शुड बी ऑल विद पेन, इधर पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना बेटे, नहीं कर सकते, जैसे आपको बताया ऐसे ही करना है। सेकंड आप लिखोगे ऑपरेटस, कौन कौन सी चीजें चाहिए, तीसरा फार्मूला यूज, चौथा आप लिखोगे थ्योरी, पांचवा हेडिंग आपका होगा ऑब्जर्वेशंस, सिक्स्थ वाला होगा कैलकुलेशंस, सेवंथ वाला आ जाएगा रिजल्ट। डायग्राम जरूर बनानी है, अगर बनती है तो बना लेनी है, कई बार कई आपके जो डिवाइसेस होते हैं यूज करने वाले वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनकी बनाने की जरूरत नहीं, इसकी बना लेना, इसका डायग्राम यहाँ बीच में कहीं बना लेना, यहाँ पे बना लेना डायग्राम, आपको मिल जाएगा। अब सारे ध्यान जगह कम हो जाएगी तो अगला पेज लगा लेना, अगला खत्म हो जाएगा तो आगे चले जाना, वो भी खत्म हो जाएगा तो आगे चले जाना, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए सारे बच्चे। मीटर रॉड आपको प्रोवाइड किया गया है, सिंपल मीटर रॉड है वुडन, इसके ऊपर 1 से लेकर 100 तक सेंटीमीटर्स में सारा लिखा पड़ा है। जब आप मिरर की बात करते हो, कंकेव मिरर की बात करते हो, जरा सोच के बताइएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे, फोकल लेंथ पे नहीं, फोकस पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये कंकेव मिरर है और आपने अपना ऑब्जेक्ट बेटा इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इंफिनिटी से रेज ऑफ लाइट आ रही है, फोकस पे फॉल कर गई, ये फोकस पे फॉल कर गई, ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ के बराबर होगा, दिस प्रॉपर्टी वी आर मेकिंग यूज ओवर हियर। जो आप ये पीछे वाली दीवार देख रहे हो, राइट बेटा, आप इस दीवार को एज एन ऑब्जेक्ट, या ये दीवार थोड़ा आपकी रूम की डायमेंशन उतनी ज्यादा नहीं है, इस तरफ अगर हम देखें, ये बाहर की तरफ आपके रूम की राइट साइड की तरफ आपको बाहर ट्रीज एंड और लोगों के घर भी दिख रहे हैं, ये सारे ही आपके मिरर के साइज के कंपैरेटिवली बेटा काफी दूर हैं, मिरर के साइज के कंपैरेटिवली इनका डिस्टेंस ज्यादा है। बेटे पहले समझ लो, बाद में कर लेना ये सारा काम, और उसका इमेज आपका यहाँ पे स्क्रीन पे बन जाएगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बन जाएगा, जरा बाकी बच्चे देख लीजिए। हमारा बेटा कंकेव मिरर है, ये बाहर आप देखिए ट्रीज हैं या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट,
अब देखना यहाँ पे यस रहने दो बड़े ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे पुत्र इधर देखिएगा सिंपली इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ बनना है इसलिए मुझे ये विंडो के साथ ये करना पड़ा अदरवाइज मैंने इधर कर देना था इधर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी ठीक है जी यहाँ पे आपका बच्चों आपका जो कंकेव मिरर है इसकी बेटे फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर आपने निकाली है क्या आपकी आवाज नहीं आ रही बेटी मैं बोल रहा हूँ माइक चल रहा है आप अपना सिस्टम चेक करिएगा एक बार सो डियर चिल्ड्रन इन दिस वे आप लोगों को अगर इसको मिरर को रिप्लेस करके और मिरर कंसीडर करना पड़े तो आप इसी तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं एक मिनट बेटी एक मिनट फिर से बेटा इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज हमारा बन गया फोकस पे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ होगा इसलिए आपको बिल्कुल विंडो के पास ही ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे आप लोगों ने हेल्प की है परफॉर्म करने में और आप लोगों ने देखा है कि ये 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ रही है एक्सपेरिमेंट का नाम आपने लिख दिया अपरेटस में मीटर रॉड कनकेव मिरर पेंसिल ये सब कुछ लिख दिया फॉर्मूला यूज में आपका फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू बेटे फॉर्मूला यूज में आप लिखोगे बेटा फोकल लेंथ आपका बेटे रेडियस का हाफ होता है आप लिख सकते हो ऐसे या सिंपली ये लिख दीजिएगा कि आपका जो फोकल लेंथ है ये इस फोकस पे इमेज तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है थ्योरी में आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को बनाकर साथ में लिख देना ऑब्जर्वेशन में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टर्निंग आउट टू बी 16 सेंटीमीटर कैलकुलेशन इसकी कोई है नहीं है इसको छोड़ दोगे आप और रिजल्ट में आप लिख दोगे कि फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज यस अब बेटे आइए सेकंड हमारा केस है ये आपका बेटे लेंस का सिचुएशन है लेंस की फोकल लेंथ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो लेट अस कंसंट्रेट बेटा जब आप कन्वेक्स लेंस बेटा इमेजिन करते हैं ये कन्वेक्स लेंस है आपका जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे बनता है ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज बन गया जी फोकस पे इस केस में ये वाला डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ कहलाएगा और यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज उसकी उल्टी साइड पे है ऑनलाइन वाले बच्चे जरा नोट करिएगा मैं एक मिनट में लिखता हूँ बाकी बच्चे देख लीजिएगा मेरे साथ साथ सारे स्टूडेंट्स जरा देखने की कोशिश करना कोई दिख रहा है भाई यहाँ पे क्लियर है ना जितना डिस्टेंस होगा इसकी ज़्यादा हम ये कर लेंगे सो डियर चिल्ड्रन
आपका बच्चों इस केस में जो डिस्टेंस आ रहा है आपका लेंस से लेकर बेटा आपके स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो है बेटे कितना था 21 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा। तो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस आपका बच्चों 21 सेंटीमीटर बन गया। तो इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, सिंपली एक लेंस को पकड़कर आपने इस मीटर और के साथ एडजस्टमेंट करके दिखा देना है, इसमें कुछ भी खास बात नहीं। नहीं, हाँ जी इमेज बेटे वो बिल्डिंग के हिसाब से तो पॉइंट साइज ही है, बिल्डिंग कितनी है और इसका साइज भी तो देखो आप ऐसे मत कहिए ना बेटे। इसके बाद हमारे पास है टू ड्रॉ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, लिख लीजिए सेकंड एक्सपेरिमेंट का नाम, टू ड्रॉ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को भी मार्क करना हमने, कौन कौन से एंगल्स कैसे कैसे हैं, समझिएगा जरा। आपने ग्लास प्रिज्म को ऐसे प्लेस किया, मैं करके दिखाता हूं आपको एक मिनट में, पहले समझ लीजिएगा थ्योरी पार्ट। ये ग्लास प्रिज्म को रखने के बाद इसका नाम ए बी सी कुछ रख दिया ऐसे, यहाँ पे पेंसिल से अपनी तरफ से पॉइंट लगा लिया और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया पहले ही, जितना एंगल आपको रखना है उतने एंगल पे लाइन बना लिया, इसके ऊपर दो पेंस लगा दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे दूसरे फेस से देखोगे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद इमर्जेंट रे आ जाएगा, इट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको एक्सटेंड करिएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल ऑफ डिविएशन आई प्लस ई ए प्लस डेल्टा के बराबर आ जाना चाहिए लगभग। आइए चेक करें फ्रॉम योर साइड कैन कम विद मी टू हेल्प, इसीलिए आपको आप ही उठ जाओ बेटे, इसके बस का नहीं है, आ जाओ आप, आ जाइए बेटा। ध्यान दीजिए ये आपने एक कार्डबोर्ड के ऊपर शीट को फिक्स किया, ठीक है जी, इसको ऐसे रखिए, पकड़िएगा इसको जरा, दोनों चीजों को पकड़ के रखना, इसको भी पकड़ना बच्चों, पेंसिल दीजिए फटाफट, पेंसिल दीजिए बेटे प्लीज, थैंक यू। ये बेटा हमने, आप भी आ जाइए प्लीज बेटा, डियर चिल्ड्रन देखते जाइएगा जरा साथ साथ, ये पकड़ लीजिए इसको थोड़ा सा, इसको बेटे हमने रखा हुआ है ऐसे, इसकी मैंने बाउंड्री ड्रॉ कर दी और बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद आपको ऐसे बेटा ये बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद डायग्राम बन गया, सिंपल ट्रायंगल बन गया ना इसके ऊपर। अब हमने क्या दिया कि इसके मिडल में कोई पॉइंट अपनी तरफ से लगा दिया ऐसे, ठीक है जी, डी दीजिएगा किसी के पास है तो, स्केल भी दीजिएगा, डी एंड स्केल, एनीवन, हाँ जी थैंक यू बेटा, स्केल तो मिल गया, डी भी दीजिएगा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहा हूं, Thank you.
पकड़ना है, पिन 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 पिन, पिन पकड़िए एक और। थैंक यू। बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा पुत्र, ये हमने प्रिज्म रखा था, ये मैंने नॉर्मल बनाने के बाद ये लाइन पे दो पिन्स लगा दिए। आप आइए, वो लास्ट वाला बच्चा जल्दी आओ जरा। बेटे आपको कह रहा हूं जल्दी आ जाओ, इतना टाइम थोड़ी होता है। अरे आप इधर से आइए, इतने रखे बेटे यहां से देखिए जरा, थोड़ा फेस नीचे करके देख बेटे, बैठ थोड़ा सा यहां से देखिए, दोनों पिन दिख रही हैं दोनों, अपना फेस टर्न करो, दोनों दिखनी चाहिए यहां, यहां दोनों है। तीसरा पिन इनकी लाइन में लगा दीजिए, तीनों अब एक ही लाइन में होनी चाहिए प्लीज। अगे करते ऐसे नहीं करना, यहां लगाइए बेटे, थोड़ा डिस्टेंस पीछे रख लीजिए ना। हाँ यस, हाँ कोई बात नहीं, आप मार्क लगा दो। हाँ पकड़ के रखिएगा, तीनों लाइन में हैं। थैंक यू बेटा, आप आ जाइए, फर्स्ट स्टूडेंट आप जाइए बेटा, आप जाइए। थैंक यू बेटा, यहां से देखिएगा जरा, तीनों पिंस दिख रही हैं, नहीं दिख रही, सो बेटा हमने ये जो दोनों पिंस हैं इनको बेटा इस केस में देखा तो थोड़ा सा ये बच्चे ने एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आया है, अब मैंने ठीक कर दिया, आई डोंट वरी। और चारों पिंस अब आपकी, अब देखो इसको देखिए, सीधा देखिएगा, चारों पिंस दिख रही हैं आपको, लाइन में हैं। थैंक यू बेटा, उत्तर सारे स्टूडेंट्स देखिए, ये चारों पिंस मैंने पहले ये दो लगाई हैं, फिर ये दो लगाई हैं, चारों आपकी जब आप प्रिज्म में से देख रहे हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन में दिख रही हैं। अब वन बाय वन पुत्र मैं इसको निकालूंगा, जब आई विल मार्क दिस एज पिन नंबर वन पी वन, पिन नंबर टू पी टू, पिन नंबर ये था ना ऊपर वाला थ्री, पिन नंबर फोर, पिन नंबर थ्री एंड फोर को मैंने ज्वाइन कर देना है, और इन पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन किया, ये बेटे लाइन मैंने कंप्लीट की, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश में हूं मैं, और लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल। बेटा इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास आई ई डेल्टा एंड ए आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स प्लीज नोट करिएगा बेटा, आपका एंगल आई जब आप मेजरमेंट करोगे 58 डिग्री का पुत्र आ रहा है, जरा नोट कर लीजिएगा, मैं आपको दे देता हूं, आप बाद में चेक कर लेना।
एंगल आई 58 नोट करिएगा, एंगल ए 60 होता है, वो जरूरत नहीं है बेटा। और एंगल ई 52 पुत्र, एंड एंगल डेल्टा 46 पकड़िए। सो आइए बेटे मैं वैल्यूज पुट करता हूं, करवाइएगा। आई कितना था, ई कितना है, और बच्चों ए 60, डेल्टा कितना बोला मैंने 46, ये बन गया आपका 110, ये 106 बेटा। तो थोड़ा यहाँ पे हम बेटे टेबल पे नहीं काम कर रहे थे, तो थोड़ा फर्क आना ही था। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, ये पेज आपके पास रहेगा, आप वहां पे लगा दीजिएगा बेटे, जिसको भी जरूरत होगी वहां से देख लेना। राइट पुत्र। और इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है टू ड्रॉ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। आइए ये भी देखें और इसको भी कंप्लीट कर लें। डियर चिल्ड्रन, हाँ जी बेटे, लिख लीजिए। एक्सपेरिमेंट का नाम है टू ड्रॉ द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास through a glass slab and to measure angle I, angle R and angle E। ये बच्चों मेरे पास glass slab है, इसके दोनों faces parallel हैं। आप दोनों आ जाओ last, जल्दी आ जाइए। राघव आप भी आ जाओ। राघव है कोई क्लास में, आप ही आ जाइए। दूसरा कौन है वैसे, कोई नहीं, उसको भी बुला लेते हैं, उसको भी बुला लेते हैं। आ जाइए जरा बेटे, ऐसे मत करिए टाइम। आइए बेटे, पकड़िए यहाँ से दो बच्चे, इधर से दो, इधर से। ये बेटे हमने पेंसिल पकड़ना पुत्र, ये रखा हमने क्लास लैब अपनी व्हाइट शीट पे। डियर चिल्ड्रन, यस, ध्यान से पकड़। इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके इसकी ऐसे बाउंड्री लगा दी, ठीक है जी। बाउंड्री लगाने के बाद, थैंक यू, मैं एक मिनट वेट करिएगा। बाउंड्री लगाने के बाद आपके पास बेटे ये आ गया जी, ये बाउंड्री बन गया ए बी सी एंड डी। इस एंड के नजदीक अपनी तरफ से कोई पॉइंट लगा दिया, अपनी तरफ से ही ऐसे ही इसके नजदीक एंड के, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। एंगल बाद में मेजर कर लेना कितना है। इस पे दो पिंस लगा दीजिए। इस फेस से देखिएगा, जब अभी ये बच्चे यहाँ पे देख रहे थे, इस फेस से देखोगे जब आप, तो आपको ये दो पिन अगेन स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी। यहाँ पे पिन नंबर 3 लगा दो, यहाँ पे पिन नंबर 4 लगा दीजिए। ये आपका P1 P2 था, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, नॉर्मल अपनी तरफ से ड्रॉ कर देंगे, एंगल R कहलाएगा, एंगल E कहलाएगा। दिस विल बी अवर प्रोसीजर। अब आइए मैं आपको वन बाई वन करके दिखाऊं पुत्र, आइए जरा हेल्प करिएगा, पकड़िएगा बेटा। ये हमने ऐसे रख के बाउंड्री ड्रॉ किया, अब ये इस एंड के नजदीक मैंने पॉइंट लगा दिया बेटा, ये अपनी तरफ से बेटे डी देना प्लीज, डी। हमने इस पॉइंट पे, थैंक यू बेटे, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, स्केल देना, थैंक यू। ये देखिएगा आपको अभी थोड़ा सा ऊपर दे, ये लाइन लगा दिया, एक मिनट वेट करिएगा बेटे। मैंने प्रेजेंटली ये एक लाइन लगा दी है, इस पे मैं दो पिंस पिन देना बेटा, पिन गुड़िया पिन, एक पिन यहां पे लगा दिया, एक और दीजिए, दो पिंस लगा दी है,
आइए जरा हेल्प करिएगा। आपके स्पेक्स नहीं लगी हुई, आप इधर से आओ, आप आना जरा देख जरा। दो पिंस दिख रही हैं दोनों, पिन दीजिए एक, तीसरा पिन लगाइए कि ये तीनों लाइन में हो, तीनों एक लाइन में चाहिए। यस, चल भी आ जा, चल 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 पुत्र जल्दी। चौथी पिन भी लगाइए कि चारों एक लाइन में हो, थोड़ा सा देखिए तीनों दिख रही हैं। चौथी भी लगाओ, नहीं नहीं देख के, देखते देखते कि ताकि चारों लाइन में ही रहें। एक मिनट, ठीक है लाइन में लग रही है बिल्कुल। नहीं लास्ट वाली थोड़ी हिल गई है आपकी भी, और दीजिए। अगर ऐसे लगे तो एक आंख बंद कर लेते हैं, ठीक है जी। बेटा ये चारों पिंस हमने लगा दी हैं, और आप आइए। थैंक यू बेटे, आप जाइए। थैंक यू ऑल बेटा, ये गुड़िया, यहीं से देखो आपको चारों पिंस दिख रही हैं, एक लाइन में है। थैंक यू, आ जाओ पुत्र जल्दी, आप आ जाओ, कोई बात नहीं। यहां से देखिएगा चारों पिंस लाइन में लग रही हैं, हैं कि नहीं है, लाइन में ही है। ओके, है? दिखाई देगा अभी थोड़ी देर के बाद, आपको दे देता हूं, आप कर लेना इनको। पिंस को बेटे मैं वन बाई वन एलिमिनेट कर रहा हूं, इनका नाम रख रहा हूं, पकड़िएगा। पिन नंबर वन पी वन, पिन नंबर टू पी टू, पिन नंबर थ्री पी थ्री, पिन नंबर फोर पी फोर। स्केल कहाँ गया अपना? अच्छा, अब पिन नंबर थ्री और फोर को ज्वाइन कर रहा हूं मैं। आई विल टेक वन मोर मिनट, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ज्वाइन किया, अंदाजे से नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, अब मैं मैयर नहीं कर रहा। आप मैयर्ड वैल्यूज लिखिएगा, डी देना बेटा, लिखिएगा जरा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा 40 है बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस एग्जैक्टली 40, एंगल ई और एंगल आई दोनों 40 के हैं। एंगल आर 25 का है, लिखवा दीजिएगा मुझे। एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई। तो बेटे ये पेज डियर चिल्ड्रन आपके पास रहेगा, आप लोग देख सकते हैं जब भी आपको जरूरत होगी, और आपने ये वर्क कंप्लीट कर लेना बेटी, अटैच कर दो राघव, और जो बच्चे लेके आए थे अपरेटस वही छोड़ के आएंगे। थैंक यू ऑल, जो बच्चे जो जो